हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। यहां पर जिस जगह मैं खड़ा हूं आपको पता होगा, इसके नीचे है एक सीक्रेट रूम, एक सीक्रेट बंकर जिसका किसी को भी पता नहीं लगता कि ऊपर से इसके अंदर कोई भी चीज है। और गाइस, फिलहाल आई थी बहुत सारी बारिश। आप देख सकते हो कि अभी इसके ऊपर भी जो है पानी भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से देख करके कुछ भी नहीं पता लगता। अंदर जो है पूरा का पूरा जो बंकर है वो बना हुआ है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही कमाल की चीज। चलो आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो भाई, आपको पता ही होगा, ये है हमारे बंकर का दरवाजा। वैसे तो इनको भी जो है मिट्टी से ढक दिया जाता है, और यहां पर जो है ये पूरा कवर हो जाता है, प्लाईबोर्ड दिखते हैं नहीं। और अब चलते हैं बंकर के अंदर। आ जाओ भाई, अंदर है, एकदम अंधेरा। ये है वो रास्ता जो जाता है बंकर तक, और ये है पूरा अंडरग्राउंड। एक सुरंग जो है वो यहां पर बंकर तक आती है, क्योंकि अगर ये सुरंग नहीं होगी तो बंकर का रास्ता जो है वो सही से नहीं बनेगा, और सबको पता लग जाएगा कि बंकर कहां पर है, उसका रास्ता दिख जाएगा ऐसे ऊपर। लेकिन अब जो है प्रॉपर एक टनल आती है, और गाइज यहां पर है बंकर। और बारिश की वजह से सब कुछ गीला हो गया, और आप लोग देख सकते हो भाई साहब क्या हालत यहां पर हो गई है। यहाँ पे जो है पानी भर गया, और साथ में जो है मिट्टी वगैरह भी आ गई है। अगर अंदर देखोगे तो पानी यहाँ तक आ चुका है। हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ये एकदम सेफ है, यहाँ पर जो पानी है वो नहीं आ पाया। लेकिन गाइज, हमने सोचा और आप लोगों ने भी बहुत बार एक्चुअली में कहा था, ये बंकर बनाने से पहले भी और बाद में भी, कि क्यों ना इस बंकर के अंदर एक स्विमिंग पूल बनाया जाए, एक अंडरग्राउंड सीक्रेट स्विमिंग पूल बनाया जाए। तो भाई, आज हम लोग यही ट्राई करने वाले हैं। ये सारा सामान हटाएंगे और बनाएंगे एक सीक्रेट स्विमिंग पूल, एक ऐसा स्विमिंग पूल जिसका किसी को पता ही नहीं लगेगा, जो कि जमीन के अंदर होने वाला है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। भाई, अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि यहाँ नीचे पानी कैसे भरे, कहाँ भरे, क्योंकि इसके अंदर भरेंगे तो गेट में से निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि पूरी जो चीज़ है वो एक तरीके से वाटरप्रूफ बन जाए, उसमें पानी जो है वो भरा रहे, और साथ ही साथ में ज़मीन के अंदर है तो हमें खास ध्यान भी रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई रिस्क भी ना रहे। तो भाई, सबसे पहले तो ये जो सामान है इसको खाली करते हैं। बंकर की जो लाइफ थी वो इतनी ही थी, अब इसमें बनेगा अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। पकड़ो, तो भाई पूरी जो जगह है वो खाली हो गई है। गाइस, अमित भाई और मोहित भाई नीचे गए हुए हैं, उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर बम चलाने वाला हूँ। अभी देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है। अब सिर्फ इसके अंदर जो है पन्नी वगैरह बिछानी है, कोई बहुत बड़ी पन्नी तैयार करनी पड़ेगी जो कि इसके ऊपर कम से कम रह सके। यार, oh, no. क्या फटा? अरे क्या है? सवाल है ये यार, जिस टायर सा फटता है। देखियो क्या चीज है। भाई कुछ बहुत तेज फटने की आवाज आई है इसमें। हैं? बम जला रहे हो तो? कौन सा बम था? मुर्गा छाप? पता नहीं कौन सा था। अबे क्या कर? वो कौन सा था? मुर्गा छाप, सूतली जैसा तो कुछ नहीं लगा यार। ना यार, कहाँ इतना तेज था, बहुत कम था इम्पैक्ट उसका। भाई बहुत कम आवाज आई थी उसकी, मतलब ना तो कोई वाइब्रेशन आई, बस ऐसे आवाज आई पट। हाँ, बस ऐसे आवाज आई जैसे जो टायर की ट्यूब वगैरह फटती है। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत भयंकर सूतली बम सामने फूटता है, और तुम, मैं जहाँ खड़ा था वहीं चला रहे हो तुम है। लेकिन गाइस, जो बंकर होता है वो बनता ही इसलिए है कि अगर ऊपर से कुछ गिरे तो वो भी जो है उसको बचा ले। एक काम करते हैं, फिर से टेस्टिंग करते हैं। और है क्या तुम्हारे पास भाई? ओ शिट, अरे दो कैसे फटे हैं यार। यार इस बार आवाज तेज आई है यार। दोस्तों, यहाँ पर जो बिजली का सिस्टम है वो हमने निकाल लिया, क्योंकि अगर पानी लीक कर गया कैसे भी करके तो बिजली का बोर्ड पानी में चला जाएगा, और सब पूरे पानी में करंट आ सकता है, बहुत रिस्की हो जाएगा। दोस्तों, इस पन्नी का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने ये प्लाई बोर्ड लगा दिया है, और अब ये जो है अंदर से एकदम पैक हो गया, आप लोग देख सकते हो, और इसके अंदर बनेगा पूल। तो इस पन्नी को फैलाते हैं। तो भाई साहब, पानी भरना शुरू हो गया है, अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल जो है वो भरना शुरू हो गया भाई।
अब देखते हैं इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। मेरे अंदाज से लगभग एक घंटा तो लगेगा इसको। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह कि जितना भी पानी इसके अंदर जाएगा, जब हम पन्नी को हटाएंगे तो सारा वापस ही अंडरग्राउंड ही हो जाएगा। तो भाई अंदर वैसे तो उमस है, गर्मी है, पसीना आ रहा है और नीचे पैरों में जो है ठंड लग रही है, क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पर मस्त तरीके से आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो पूल है, सीक्रेट स्विमिंग पूल जो है अंडरग्राउंड वाला, वो तैयार हो ही गया है। लगभग थोड़ा सा बचा है और गाइस हमने इसको वाटरप्रूफ किया था, वहां तक वहां का पानी वाटरप्रूफ ही है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं से लीक कर गया और इस हिस्से में भी पानी भर गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने जो पूल बनाया था वो तो एकदम तैयार है। तो गाइस आ जाओ, ये है पूल। यहाँ तक भी मेरे घुटनों तक जो है पानी आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब बारी है अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में नहाने की और मैं घुस रहा हूँ फिलहाल इसके अंदर। अंदर घुसने के लिए चढ़ना पड़ेगा ऊपर इस तरीके से और अरे यार भाई यहाँ पर सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जिस पूल के अंदर मैं फिलहाल हूँ वो जो पूल है वो जमीन के अंदर है। मतलब जमीन तो वहां से भी ऊपर है भाई, जमीन बहुत ऊपर है। जो सुरंग है वो आती है पूरा रास्ता है, इधर मिट्टी है। देखो जिनको विश्वास नहीं है भाई, ये देख लो कि ये मिट्टी है पूरा, और जो पूरा ये कंटेनर है ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ है फिलहाल। दोस्तों इस पूल की जो सबसे कमाल की बात है वो है इसके अंदर की शांति। एक बार मैं चुप होता हूं, सब चुप रहना भाई, देखना कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो लहरें हैं छोटी मोटी उनकी आवाज आती है, क्योंकि भाई जमीन से इतना नीचे है तो आवाज आएगी कहां से, पूरा इंसुलेशन हो गया। और इतना एकांत स्विमिंग पूल कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि पूल जो होते हैं वो बाहर होते हैं, बाहर या तो व्हीकल की आवाज आती है, किसी ना किसी चीज की तो आती है, लेकिन यहाँ कोई टेंशन नहीं है, मस्त आराम से नहाओ। और ये जो पूल है ना उधर पे कम गहरा है और यहाँ पर आकर इसकी जो गहराई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो कंटेनर है, जो हमारा बंकर है, वो थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, थोड़ा सा वैसे फील नहीं होता है लेकिन एक स्लोप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पानी का लेवल है गाइस वो काफी ज्यादा है। तो भाई अब मैं जो है एक बार पानी के अंदर जाने वाला हूँ, चश्मे सही से चले जाता हूँ। Three, two, one.
एक बार पूरा पूरा पूल का नजारा आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो पीछे तक इसकी लंबाई भाई बहुत दूर तक। मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ यहाँ पे और आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ जा करके भाई जो पूल है वो फिनिश हो रहा है और वहाँ तक पूल है और वहाँ पे वो लाइट लगी हुई, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि जमीन के अंदर सूरज की रोशनी तो आती है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।